हाँ माइक लो। कहाँ से हैं? कुलेसरा से। पहली बार आई? जी गुरुजी। कहाँ रहती हैं आप? रहने वाले तो फरकाबाद के हैं, जिला फरकाबाद। यहाँ किसी को अपना विषय या पर्चा तो नहीं बताया? नहीं बताया गुरुजी, किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह से हमने कुछ खाया भी अभी नहीं। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं? क्यों नहीं खाया? इसीलिए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करते माता जी, इस चक्कर में भूखी रह जाती है। अगर ना हमारे भाई भाई में से ना लाते था। कुछ नहीं खाती बाबा जी। कोई बात नहीं, करो प्रश्न करो, क्या बात है? हाँ हमने लिख लिया, जल्दी बोलना है, बहुत कट टू कट। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं गुरुजी अपने आप से, मुझे थोड़ी मुक्ति दे दो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आप से। क्या हो जाता है? मेरा वो एकदम से लगता कि अब यहाँ से। पढ़ी लिखी हो आप? कितने तक? नमो पढ़े हैं गुरु जी, 9th क्लास। अच्छा हिंदी पढ़ लेती? हाँ गुरु जी अच्छे से। चलो पढ़ो बहन जी। पूरा घर हैरान, गला पकड़ता, प्रेत परेशान करता, पैरवा शरीर में जकड़न बना देता है, सीना पर भी बैठ जाता है, गंदा प्रेत है, आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोलो माइक से हाँ या ना। गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं। क्या ये बात सही है? सही है गुरुजी। जय श्री राम। में बहुत कलेश रहता। अभी थोड़ी देर में प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठना है और जाओ धाम पर आना, प्रेत बाधा बंद जाएगी। धन आपने बहुत खर्च कर दिया, बहुत गुरुओं को दिखा लिया। 2018 से परेशान है। एक गुरु ने तो गंदी हरकत भी करने की चेष्टा की एवं पैसा भी बर्बाद किया, 8000 से ज्यादा रुपया भी उसने लिए। क्या ये सही है? अब आगे भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। बालाजी करेंगे, छोड़ो बालाजी के ऊपर, सद्बुद्धि भी रहे, दिमाग भी ठीक रहे, ये प्रेत भी हट जाए। भजन बहुत करना। अब आगे से आपको यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत गुरुओं के चक्कर में भटक लिया है। आप हनुमान जी की चरण शरण पकड़ो, वही केवल आपकी इस बाधा को मिटा सकते हैं। बाकी और भी बातें हैं जो माइक से कहने योग्य नहीं है, इतने में ही समझ जाओ। जय सिया राम। चलो बहन, जय सिया राम। ये लो पर्चा। बात एकदम सही बहन, कोई संदेह? जाओ, तुम्हारी समस्या अभी प्रेतराज सरकार, बस छूना नहीं है। प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसी में हम बंधन करवा देंगे। सामने बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम।